कर्नाटक चुनाव पे जयपुर डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी शो की चुनावी गाड़ी जो है अब मैसूर पहुंच गई है। मैसूर में हम जानेंगे जहां लोग कहते थे कि जेडीएस का गढ़ है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार जेडीएस का किला हम तोड़ देंगे। तो लोगों से बातचीत करके हम पता करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मैसूर में कौन सी पार्टी आने वाले इस चुनाव में अच्छा करने वाली है, जो कि मात्र एक महीने दूर है अब इनसे। यहाँ के लोगों के क्या चुनावी मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसकी बनेगी सरकार कर्नाटका में। तो जो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या थी वो ट्रांसलेशन की, कि कर्नाटका इलेक्शन को हम कैसे कवर करें। तो हमारे साथ स्वामी जी हैं जो हमारे साथ बात करेंगे कर्नाटका के इलेक्शन पे। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और मैसूर में हम जानेंगे कि इस बार चुनावी मौसम में किसकी जीत होने वाली है। हमारे साथ एक शख्स है, क्या नाम है सर आपका? गणेश है। गणेश, अगर इस बार कर्नाटक इलेक्शन में वोट किया तो आपके लिए किसको वोट करेंगे? हमने पहले बीजेपी किया, ये बार भी देख दो कैंडिडेट देख के मैं वोट करते सर। कैंडिडेट देख के वोट करते हैं, ओके। क्या नरेंद्र मोदी का भी इम्पैक्ट कर्नाटका में इलेक्शन में रहेगा? ये बार भी नरेंद्र मोदी आता है, अप्रॉक्सीमेट 100 सीट आता है, 100 सीट के आसपास। मैसूर में किसका ज़्यादा चांस लगता है? बीजेपी जेडीएस। कांग्रेस गैप हमारा क्षेत्र में नहीं है, चामुंडेश्वर में जेडीएस है। सिटी में बीजेपी है, ऑब्वियसली हर एक सिटी में वही हालत है। एक सीट में बीजेपी आता है मैसूर में, कांग्रेस है और जेडीएस है। नहीं बट मैसूर रीजन में तो 5 सीट है ना विधानसभा, 5 सीट है, 5 सीट में बीजेपी का कितना? बीजेपी का ये दो, बीजेपी का तीन आता है और जेडीएस का 2 आता है सर। जेडीएस का 2, कांग्रेस 0। तो कांग्रेस के बारे में ये राय, अच्छा बीजेपी, अच्छा एक आता है पूरा तनवीर सेठ है ना, तनवीर सेठ आता है, हाँ तनवीर सेठ आता है ये एनआर क्षेत्र में। ये बताइए कि आपको बीजेपी में नरेंद्र मोदी ज़्यादा पसंद है, योगी आदित्यनाथ, या यहाँ की लोकल लीडरशिप पे भी आपको ज़्यादा पसंद? मैसूर में एक सिद्धरामैया बहुत बड़ा लीडर है, कांग्रेस के है, नाम बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्यादा करप्शन किया लास्ट टाइम मैंने सुना। स्टार नहीं है इधर, लोगों को क्या क्या इधर परेशान करके वोट दे रहे हैं सर। ओके, परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस किस प्रकार के मतलब परेशानी लोगों को देती है? हाँ लोगों को देता है सर, लोगों को परेशान करती है। लोगों को परेशान करता है। तो एक मैसूर का ये मिला जुला ओपिनियन है कि जेडीएस और बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस अगर आप देखें कि पंजाब में गायब है, दिल्ली में गायब है, यूपी में गायब है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कर्नाटक में भी गायब हो रही है। देखेंगे अभी आगे हमारे साथ और लोग हैं। सर क्या नाम है? महेश। किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को वोट करते करेंगे। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस के वो बीजेपी इवती पर्स्थिति बीजेपी तुम सामान्य जन के वर्त बीजे प्रति विषय वर्त बीजे सामान्य जन बदक दौड़ दौड़ श्रीमंत खासगी कंपनी बदकती सामान्य जन बदक सामान्य जन बे सवलत सरकार ऐनवत सवलत अद्क सामान्य जन सो इले सामान्य जन सकते दौड़ दौड़ बिजनेस मैन दौड़ दौड़ ईटेक मात्र इवतु बीजेपी सरकार सवलत माता सामान्य जन ऐन तक ऐन कुंटकोल ना कांग्रेस इष्टपड़ी। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस को कहीं कुदालते बोले तो बीजेपी में हमको कुछ भी नहीं दे रहे, आप प्रॉब्लम हो रहा है। वो सेंटर पर बड़ा वालों को नहीं है, छोटा बहुत गर्मी रहता है ना उसको भी नहीं, सेंटर वालों को बहुत पड़ रहा है, सेंटर वालों मिडिल क्लास को कुछ उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो पूरा ये करिया टैक्स करे ये करिया फैक्ट्री वाला पूरा ये कर दिया ऐसा बोल रहे हैं वो। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के डीके शिवकुमार करप्शन का इल्ज़ाम है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इनको। डीके शिवकुमार पे करप्शन का इल्ज़ाम है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर करप्शन होगा तो भी कोई चलेगा आपको? डीके शिवकुमार को क्या है? डीके शिवकुमार ने करप्शन किया था लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कर्नाटका में, तो उस पर क्वेश्चन था कि इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಯಾವುದೂ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸೂದ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಡಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು ಬಡವ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೋ ಆ ಇನ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನೇ ಕುಚ್ನಿಕೆಯ ಏ ಬತಾರೇ
अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी एक बार जब ओपिनियन पोल दिया था तो मैंने एक बार कहा था कि देखिए आम जनता भले ही बात करे करप्शन को लेकर के, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है इस देश में वो करप्शन मुद्दा नहीं है जब वो वोट करने जाते हैं। तो क्योंकि करप्शन को लेकर के अपना एक स्ट्रेटजी है कि अगर मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, बीजेपी का वोटर हूँ या फिर जेडीएस का वोटर हूँ तो मैं वोटर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे साथ एक और सर, सर क्या नाम है आपका? देवोपनायका। सर किसको वोट करेंगे? ये सला राज्यदल्ली कांग्रेस सरकार बरबेको, कांग्रेस सरकार बरबेको। कारण बड़ा जनर बदको भाई दुस्थिति होगी, ग्यास 1200 रूपाय, पेट्रोल डीजेल एला दुबारी, मध्यम वर्गद जन बदके कितकोबिटवरे बीजेपी। जो क्षेत्र सरकारी स्वामी संस्थे खासगीकरण मातावरे, युवक उद्योग कितकोरे, निरुद्योग समस्या जास्ती आगे। ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ದಲಿತರ ಶೋಷಿತರ ಪಕ್ಷ, ಬಡವ್ರ ಪಕ್ಷ ಅದು, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕು। तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है दलित और शोषित का पक्ष लेता है, इसीलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना, सोल्पा सोल्पा बढ़ते हैं। तो ये बताइए कि इन्होंने ये कहा कि वोट करेंगे इसी मुद्दे पे, ठीक है, मिडिल क्लास को दिक्कत है, ये जो कांग्रेस पूरा हमारा कुछ भी नहीं है, पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं, और पूरा गरीब आदमी का सब पकड़ लिया, कांग्रेस में तो सभी आता है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सर क्या क्या नाम है सर आपका? नागेश अंता। नागेश सर, इस इलेक्शन में आपके लिए क्या क्या चुनावी मुद्दा होता है? यू कैन स्पीक इन कन्नड़ा, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश, वट एवर यू लैंग्वेज वॉन्ट, आई हैव ट्रांसलेटर विद मी। सो वट विल बी योर इलेक्शन मेन इलेक्शन में आपका जो है फोकस किस मुद्दे पे रहेगा, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे ये बताइए, और किसको वोट करेंगे अगर आप वोट करना चाहिए? मैं हत्या के चुनाव आयोग इलेक्शन घोषणा इले स्वल्प कर्नाटक वेव कांग्रेस कांग्रेस कड़ू वातावरण कहते हैं सेंट्रल मोदी इरली अंत ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇವ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ। ये कह रहे हैं कि मतलब सेंटर में मोदी ठीक है लेकिन स्टेट में मोदी को प्रॉब्लम है, लेकिन अगर अलग सरकार यहाँ पे रहेगी, डिफरेंट गवर्नमेंट इन कर्नाटका एंड सेंटर इन अ डिफरेंट, सो देर विल बी अ मिसमैच, आपको नहीं लगता उस वजह से बीजेपी को चांस मिलना चाहिए? स्वल्प स्टेटल ऐनकारी स्वल्प करप्ट मोबिटे करप्ट आगे स्वल्प बीजेपी अभिमानी कूड़ा स्वल्प बेजारल हाँ स्वल्प कांग्रेस स्वल्प ओपित सर कड़े। इनके कहने का मतलब है थोड़ा सा घमंड में है कांग्रेस, ठीक पकड़ रहा हूँ मैं तो, मैं कन्नड़ा ठीक ठीक पकड़ने लगा हूँ दो ही तीन दिन में है, तो ये कह रहे थोड़ा सा घमंड में है, थोड़ा सा करप्शन है, लेकिन एक बात देखिए ये कह रहे हैं सेंटर में ठीक है, तो अगर सेंटर 2024 में आपको वोट करना रहा तो मोदी ना बरता 100%। अभी देखिए मैं कह रहा था इस बात को कि मोदी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे हैं मोदी को वोट कर देंगे, स्टेट में ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ एक और शख्स है, सर क्या नाम है आपका? भरत। भरत सर आपके लिए इस बार कर्नाटक इलेक्शन में मेन चुनावी मुद्दा क्या होगा और आप किसको वोट करना चाहते हैं? सर ये ट्रायंगल का इलेक्शन होगा सर, ट्रायंगल इलेक्शन, सो किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलता? मेजॉरिटी मिलेगा बट सेंटर में मोदी का राज चलेगा ना, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी स्टेट के वाले में पूछे तो इस स्टेट वाले कुछ भी काम नहीं करते सर, खाली एक मोदी क्या कर सकते हैं सर। सो लेकिन फिर भी स्टेट में किसको चांसेस ज़्यादा लग रहा है, कांग्रेस को, जेडीएस को, बीजेपी को? सर ये ट्रायंगल का इलेक्शन है, अभी तो दोनों को भी चांस दे चुके हैं, पूरा का पूरा मेजोरिटी देके इधर लोकल आने के बाद देखना है कैसे। तो जेडीएस का भी चांस लगता है? चांस लगता है सर, जेडीएस का भी चांस लगता है और बीजेपी को भी चांस रहेगा सर। कांग्रेस का चांस कम लगता है? कम लगता है क्या कि वो राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट देते हैं ना, वो सोच समझ के स्टेटमेंट देना है, वो भी पॉलिटिशियंस है, वो क्या करते हैं क्या कहते हैं मुंह से, एक दिमाग से एक होता है, मुंह से कुछ भी बोल देता है सर, वही तो प्रॉब्लम है सर। उन भरत सर वही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ कुछ बोलते हैं और जा करके लंदन में कुछ और बोलते हैं, जिससे एक इंडियनिज्म जो है भारतीयता है उसको ठेस पहुंचती है, ठीक है, एज ए इंडियन पब्लिक बुरा लगता है? बुरा लगता है सर, हमें तो वो पुराने चीज़ हमें मालूम नहीं, अभी तो मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है। कैसा है मोदी का
सर अभी अच्छा चल रहा है वो खाली ये के कर्नाटक में ये रेवेन्यू का जो पकड़े ना वो रेवेन्यू लेके वो सेंटर में बांट रहे हैं सर, दूसरे राज्यों में बांट रहे हैं कम कर दे तो जा। हमारे साथ कर्नाटक इलेक्शन पे ही बात करने के लिए कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है सर आपका? कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति सर इस बार कर्नाटक इलेक्शन में किसको वोट करते हैं? कांग्रेस में। कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों वोट करते? कांग्रेस अल्ली पूर्ण बहुमत बंद बरुत्ते याकंद्रे इल्ली तनक बीजेपी मैत्री माड़ी माड़ी सरकार माड़ता इद्दारे ओब्बर राजकारण माड़कायितेल्ल ओंदु कडे तीर्मान तगळकायितेल्ल ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತೆ। ಬಹುಮತ ಮೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯೇಗಿ ಕಹಾಂಗೆ ವೋ ಹಮಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಚ್ಚಾ ವೋ ಚಲೇ ಗಯೆ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ಕೆ ಮೇ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಸಮಜ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಇನ್ಕೆ ಕಹನೆ ಕಾ ಯೇ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಮೇ ಆಯೇಗಿ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಠೀಕ್ ಕಾಮ್ ಕರೇಗಿ ಲೇಕಿನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಾ ಯೇ ಥಾ ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತೋ ಟಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಹುಮತ ಬರಬೇಕು ಬಹುಮತ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಡ್ರಾ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೈಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂರಾ ಕಾ ಪೂರಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೋ ಮತ್ ಸೋಚಿಯೇ ಅಭಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಸಾ ರಾಜ್ ಚಲ್ ರಹೆ ವೋ ದೇಖ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾ ನಹಿ ಯೇ ದೋನೋ ಕಾ ಈ ಜಗಡಾ दूसरा आदमी को फायदा हो रहा है सर। दूसरा दो डी के शिवकुमार एंड सिद्धरामैया फाइट मे गेट एज टू जे डी एस एंड बीजेपी स्ट्रांग लीडर इधर है सिद्धरामैया डी के इबरू कूड़ा संघटने राज्य पूर्ण बहुमत बरते हाईकमांडल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे राहुल गांधी कूत तीर्मान राहुल ओके राहुल गांधी बोलते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है आपको लगता है इंडिया में डेमोक्रेसी एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे राहुल गांधी बोले इंडिया में प्रजातंत्र नहीं है आपको लगता है इंडिया में प्रजातंत्र नहीं है इल्ली कर्नाटकदल्ली इरंतवरु इल्ली वातावरण गोत्तिरंतवरु सिद्धरामय्यनिगे एल्ला गोत्तिदे मोदी अले सेंटर में मोदी स्टेट में कर्नाटक ये पहले वोटर मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं सेंटर में मोदी ठीक है स्टेट में कर्नाटक कांग्रेस है। आपका क्या नाम है सर? नेम महादेव। महादेव महादेव सर किसको वोट करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस लग रहा है जे मैसूर में कितना सीट आता है? मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट कांग्रेस को? मैसूर में आउट ऑफ फाइव कितना मैसूर सेवन सेवन मैसूर ला हमारे साथ एक और सर क्या नाम है आपका? इधर मेरा नाम राजेश है। राजेश सर किसको वोट करते हैं? हम कांग्रेस के लिए वोट करते हैं। कांग्रेस को वोट करते हैं। कांग्रेस क्यों अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए क्यों गरीब लोग कूली का लोग हमाले का लोग ऑटो ड्राइवर का लोग जनसामान्य से लोग अच्छा तरह से जी सकता है इसलिए अच्छा तरह से। लेकिन राहुल गांधी ने अभी जाकर के इंग्लैंड में बताया कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। आपको भी लगता है डेमोक्रेसी नहीं है? वो बहुत करेक्ट बोल रही है। वो डेमोक्रेसी नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर आप वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो डेमोक्रेसी के लिए और हम क्या वोट देते हैं वो डिफरेंट अलग चीज़ है। वो दोनों एक ही नहीं है। एक ही नहीं है? एक ही नहीं है। डेमोक्रेसी बोले तो कैसा है? एक आदमी है, एक आदमी को पूरा उसका धार्मिक स्वतंत्र है, एजुकेशन स्वतंत्र है, सबका स्वतंत्र है। लेकिन कर्नाटक में सबका स्वतंत्र है इधर, उधर नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं लगता है। ऐसे आपको कैसे? मैं तो दिल्ली से हूँ, मुझे और बिहार से हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ स्वतंत्रता है। मैं आपको बोल रहा हूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसा है आपको मालूम है? सबको पता है। सबको पता है उधर क्या हो रहा है। सब ठीक है दिल्ली में? क्या दिल्ली में सब ठीक है? लेकिन उधर अरविंद केजरीवाल ये वो 4 साल से चीफ मिनिस्टर है, उधर नहीं दबा सकता है बीजेपी लोग, इधर ये कैसे दबा सकता है? कहीं भी किसी को कोई नहीं दबा सकता क्या? नहीं नहीं, इधर कांग्रेस है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अच्छा, और 2024 इलेक्शन में? 2024 में ओनली फॉर कांग्रेस। 2024 में भी कांग्रेस? ओके, यहाँ एक कांग्रेस के विथ अलायंस। आई एम ऑल्सो 2018 and all, I am also BJP man. Now, BJP has did so many bad things. Seeing gas cylinder rate is increased,
गैस सिलेंडर एंड देन केरोसिन केरोसिन इज ऑल्सो इंक्रीज एंड ऑल्सो पेट्रोल डीजल एवरीथिंग इज विल बी इंक्रीज द रेट. ओके, तो इनका मुद्दा वही है कि भैया पेट्रोल प्राइस और सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है, उस मुद्दे पे हम वोट करेंगे. आगे देखते हैं कि क्या नेशनलिज्म का मुद्दा कर्नाटक में है. उस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ और लोग से बात करेंगे. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.